Bismillahirrahmanirrahim. आज खान साहब उनके साथ में बैठा हूँ और मैं जब लड़का था या कह रहे कि स्कूल पढ़ता था, उनके साथ जब मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, खान साहब हमारे स्कूल में तशरीफ लाए थे और इन्होंने बॉलिंग करने का तरीका और एक सही गेम खेलने का तरीका सिखाया और वो चीज मैंने उस वक्त देखी और बाद में काफी असर सोचता भी रहा। वक्त ने ऐसा बोर्ड लाया कि आज मैं उनके साथ बैठा हूँ, उनकी जो मिशन है मुल्क को सुधारने का उनके साथ। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे जो खानदान है उन्होंने सियासत 1906 में मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से शुरू की थी, जब मानिए मुस्लिम लीग में थे और मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे उन्होंने 70,000 रुपए पाकिस्तान मुस्लिम लीग जब बनी थी उसके लिए दिए थे। और वो क्या थी कि वो मुसलमानों की जमात थी और उनकी नुमाइंदगी के हवाले उससे लेके 1993 तक हम मुस्लिम लीग में रहे। मेरा खानदान, मेरे परदादा उन लोगों ने जिनका आज भी नाम यादगारी पाकिस्तान के अंदर वहां पे लाहौर में, मेरे दादा का नाम वहां पे है, कोई इसको तस्दीक नहीं कर सकता। उनका नाम नसरुल्लाह खान जतोई था। वो थे जो बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन एमएलए भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक हमने इज्जत और शराफत की सियासत की है और हमारा इसके हवाले से आप जब देखेंगे पूरे पाकिस्तान में कोई ये गिला नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चांस मिला सियासत का, मैंने अपनी सियासत एक नज़रिए के साथ शुरू की थी और वो नज़रिया था पाकिस्तान की खिदमत और अच्छाई और सही चीज के साथ खड़े होंगे। मैं पीपीपी में रहा, शुरुआत मेरी वहां से हुई क्योंकि उस टाइम मेरा खानदान पीपीपी में, वहां से मैंने शुरू किया। अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, मैं एमएलए भी बना, फिर दो दफा मैं वजीर भी रहा गुलानी साहब के साथ भी और राजा प्रवेश। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किरदार साफ है, मेरा माजी साफ है, सब लोगों के ऊपर बातें हुई उनके किरदार के हवाले से, उनके करप्शन के हवाले से, उनके मुख्तलिफ चीजों के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई इस हवाले से और इंशाल्लाह आपकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं और इस नजरिए से आ रहे हैं कि आप मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं, आप लोगों के लिए एक होप भी हैं और इस टाइम पूरा पाकिस्तान आपसे उम्मीदें लगाए बैठा है कि आप इस मुल्क के अंदर तब्दीली लेके आएंगे और वो तब्दीली मुस्बत होगी, वो तब्दीली मुल्क की भलाई के लिए होगी, वो ऐसे फैसले जो पिछले हुक्मरान नहीं कर सके, वो आवाम सोच किया कि जो है इमरान खान साहब आएंगे और हमारे लिए करेंगे। ये होप लेके मैं भी आपके साथ आपकी जो कारवां है उसका हिस्सा बन रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आपका छोटा भाई, आपका वर्कर और हर तरीके के साथ जैसे भी आप सोचें उस तरीके के साथ इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे, आपका साथ हर हवाले से होगा जब तक इंशाल्लाह ताला मैं सियासत में हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ ही हूँ और आपके नजरिए के हवाले से। तो इस पार्टी से जो गिले थे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जतोई साहब हमारे साथ बहुत अच्छे थे, मकामी दौर पे हमारे कोई इश्यूज थे, इश्यूज कोई जाती बुनियाद में नहीं थे, असूल के ऊपर, उन असूल की बातों के ऊपर। और दूसरा उन्होंने जो पंजाब परफॉर्मेंस इस सियासत के अंदर कर दिया जिसकी वजह के साथ हमारे लोगों के ऊपर हयास भी हुई, हमारे लोगों को जो है बेजा तंग भी किया जाता रहा, हर हवाले से उनको तंग किया जाता रहा, लेकिन हमारी पार्टी ने कोई उस चीज के ऊपर काम नहीं किया। इस हवाले से मैं ये भी चाहूंगा कि अल्लाह इस पार्टी को, जो मेरी पार्टी बन चुकी है, इसको गवर्नमेंट में भी लेके आए
लेकिन एक आम इंसान को इंसाफ भी मिलना चाहिए, जो उनका हक है वो हक भी मिलना चाहिए, और स्पेशली मेरे इलाके को उसका हक मिलना चाहिए। ये दो मेरे साथ आए हैं, मेजोरिटी कुछ इसमें लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर थे, और एक ने 27,000 वोट दिए, एक ने 23,000 वोट दिए, कुछ JUI के कैंडिडेट्स भी हैं, उनमें एक ने तकरीबन 26,000 वोट दिए और एक ने 8,000 वोट दिए हैं, वो भी अभी आज आपके साथ इस कारवां का हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा ये जो सारे लोग बैठे हैं, कुछ नाजिम हैं, कुछ सबका नाजिम है, जो साला साल से मेरे ख्याल में कोई किसी को 50 साल हो गए जब से पीपीपी बनी, बानी रुकन भी हैं हमने एक, कि जो पीपीपी के बानी रुकन थे और तब से लेके अब तक वो मेंबर बनते आ रहे हैं जिसपे काउंसिल। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मेरे साथ नाजमीन हैं जो मौजूदा भी हैं और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बन के आए हैं, और मेजोरिटी हम आजाद वहां पे आजाद हैसियत से मिलकर लास्ट इलेक्शन में उन्होंने किया, कुछ जीते हैं कुछ हारे हैं और उनको हराया गया। ये सब लोग किसी न किसी अहदे के ऊपर थे, ये आपके साथ आ रहे हैं, ये भी इनकी ख्वाहिश होगी कि आप इनका भी ख्याल रखेंगे। इनके जो तहफात हैं, हमारे कुछ तहफात थे वो हमने डिस्कस भी किए थे, और वो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर आप मेहरबानी भी करेंगे, उनका ख्याल भी रखेंगे। इन बातों के साथ मैं आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, आपने मुझे इज्जत बख्शी, ये रुमाल अदा किया जिसको मैंने पहना है, मेहरबानी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میرے لیے قابل احترام ایک ہے عمران خان صاحب میرے بڑے بھائی محترم جناب جہانگیر مادری صاحب ہمارے مخدوم شاہ محمد قریشی صاحب